चेयरमैन रहे, जो सराफत में रहे, बदमाशी में रहे, अच्छा अच्छाई में रहे, खराब में रहे, उन्हीं लोगों की वैसे हिंदू मुस्लिम हो रही थी। अच्छा। और उससे अलग हटके जो चुनाव हुआ, चाहे भाजपा को वोट चली गई, चाहे वो साइकिल को चली गई, बिल्कुल इसलिए फैसल को जो है समर्थन दिया। फैसल के साथ ना जाते, फैसल भी जीत सके था, वो उंगा का उंगा चला गया। अच्छा, फैसल उनका हार का कारण फैसल की हो सकता है, हो सकता है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आप देख रहे थे मेरे सामने। भाई मैं खुशी में कहना चाहता हूँ भाई, आप सभी लोगों का धन्यवाद, आपने जो मैं मुझे अपेक्षा से आपने जिताया है, आपकी अपेक्षाओं पे खरा उतरूंगा, पूरे 5 साल आपका जो है के लिए तन मन धन से तैयार खड़ा रहूंगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी पहले ही 1 साल पहले ही। अच्छा सर, कांधला की हार के बारे में क्या कहेंगे, एक बार फिर से हार हो गई? देखिए, कांधला की हार का एक अपना समीकरण है, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बिल्कुल, पॉपुलेशन का समीकरण। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी इस पॉपुलेशन को लेके और इस समीकरण को लेके फिर भी हम 6000 वोट लेके जाते हैं, तो हम अपने आप को जीता हुआ महसूस करते हैं। बिल्कुल। मैं ये समझो, आप 21 तारीख में जिला कार्य समिति बैठक थी, ऊपर से जो दिशा निर्देश आए थे उस कार्यक्रम को खोला, कार्यकर्ता एकजुट होने के लिए। अब मंडलों में कार्य समिति आज लास्ट दिन है, लगभग आज 8 मंडलों में कार्य समिति है और उसकी रिपोर्ट आज शाम को चली जाएगी और हमारा लगभग 3-4 दिन के बाद सारे कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे, जो 1 महीने का महासंपर्क अभियान है, कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो अभी 24 की तैयारी चल रही है, जो मीटिंग्स हो रही है, 24 की तैयारी हमारी मजबूत तरीके से शुरू हो गई है। की तरफ ही चलते हैं सर, इस मीटिंग के बारे में कुछ बताएंगे? ये मीटिंग जो है 26 मई को हमारी सरकार के, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के केंद्र में 9 वर्ष पूरे कर रही है। अच्छा। इस उपलक्ष्य में कार्यक्रम आए हैं, क्योंकि 2024 का इलेक्शन, लोकसभा का इलेक्शन सिर पे खड़ा हुआ है, 1 साल भी नहीं रह गया उसमें, और उसमें अभी से कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट करना और जो 9 साल की योजनाएं हैं उनको घर घर तक, जन जन तक पहुंचाना, उस कार्यक्रम की आज शुरुआत हुई है। तो ये आज मतलब क्यों नहीं आए? अच्छा, एक चीज और पूछूंगा, जंतर मंतर पे बेटियां बैठी हैं, 30 दिन से ज्यादा हो गए हैं तकरीबन, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूंगा कि उनका जो आरोप ब्रजभूषण सिंह पे है, माननीय सांसद जी पे है जी। उन्होंने उस चीज़ का बयान कह दिया है कि मैं उनकी मांग थी कि नार्को टेस्ट कराया जाए, उन्होंने कह दिया है नार्को टेस्ट कराओ, और उनके जवाब में उन्होंने उनको कहा था भाई अब देखो दोनों का नार्को टेस्ट होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ स्टार न्यूज़ इंडिया पे, आप देख रहे थे बीजेपी के 9 साल कार्यकाल के कम्प्लीट होने पर ये मीटिंग का आयोजन किया गया था। अभी मेरे साथ में बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, जिनकी नाम से और उन्हीं से शुरुआत करते हैं, उन्हीं से पूछते हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम और अपनी पोजीशन बता दीजिए। जरा पार्टी में भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, पुनीत द्विवेदी मेरा नाम है और जिला महामंत्री का दायित्व मेरे पास। अच्छा सर, कांधला के अंदर बीजेपी पिछले बीते 5 योजनाओं से यानी 25 साल से कभी जीत नहीं पाई है, नरेश जी यहाँ पर बड़ी मेहनत करते हैं, ऐसा कारण क्या रहा है इसके पीछे? अब कुछ क्या कह दें, पार्टी हमेशा उम्मीद बीच में, तरुण जी को भी हमने मौका दिया, सभी लेकिन नरेश जी भी 3-4 बार चुनाव लड़ चुके हैं, और हो सकता है जातिगत समीकरण का कुछ ऐसा है, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता जी जान लगाकर मेहनत करते हैं, कोई क्या कारण हो ये तो स्पष्ट नहीं कह सकते, लेकिन हमेशा मार्जिन बहुत कम रहता है जीत का, जहाँ तक मेरे याद है 3-4 बार का तो मेरे याद है मार्जिन बहुत कम रहता है। एक बार तो 200 वोट से आ रहे थे। हाँ, एक बार मेरे ख्याल से 80-80 वोट के आसपास तो है, लगभग मार्जिन बहुत कम है और जातिगत समीकरण मेरे हिसाब से इसमें मस्त है कि यही कारण हो सकता है। अच्छा, कहीं ना कहीं ये कमी लगती नहीं है, जैसे कांधला और कैराना कभी जीत नहीं पाई है बीजेपी चेयरमैनी में, तो यहाँ से मुस्लिम को क्यों टिकट नहीं दिया जाता? नहीं, इस बार भी मुस्लिम, मेरे ख्याल से मुस्लिम ने कोई टिकट नहीं मांगा, मेरे नॉलेज में नहीं है। अच्छा। कि नहीं मांगा, शायद कैराना से एक नाम आया था, इस बार हमने कोशिश की, कैराना से सिंबल दिया था, कैराना में हमने ठीक ठाक वोट लिए हैं। अच्छा। और हमारे जो कैराना में मजबूत स्थिति बनी है चेयरमैनी के लिए, और कांधला भी हम मजबूती से लड़े हैं, तो हमारे आगे आने वाले चुनाव, लोकसभा का चुनाव है और विधानसभा का चुनाव, उसके लिए कार्यकर्ताओं की मजबूत पकड़ बन जाती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा सोच ले जनता कांधला की, आने वाले टाइम में मुसलमान को टिकट दिया जाएगा, शायद सिर्फ निश्चित निकल जाए उस हिसाब से। देखो, वो तो समय की मांग है, समय आगे क्या होगा, क्या समीकरण बनते हैं, तो हिसाब, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं को महत्व देगी, कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देगी। यहाँ से जो चेयरमैन प्रत्याशी थे उनका मुझे नाराजगी कहीं ना कहीं सुनाई दे रही है, वो आज मीटिंग में भी नहीं आया, ऐसा क्यों? मेरी अभी तक उनसे बात नहीं हुई, इस बारे में मंडल अध्यक्ष जी से मैं बात कर लूंगा, प्रत्याशी जी से बात करूंगा, मेरी प्रत्याशी जी से अभी तक कोई बात नहीं हुई, क्या कारण है, क्यों नहीं आए। अच्छा, एक चीज और पूछूंगा, जंतर मंतर पे बेटियां बैठी हैं, 30 दिन से ज्यादा हो गए हैं तकरीबन, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूंगा कि
उनका जो आरोप ब्रजभूषण सिंह पे है, माननीय सांसद जी पे है जी। उन्होंने उस चीज का बयान कह दिया है कि मैं उनकी मांग थी कि नार्को टेस्ट कराया जाए, उन्होंने कह दिया है नार्को टेस्ट कराओ। और उनके जवाब में उन्होंने उनको कहा था भैया अब देखो दोनों का नार्को टेस्ट होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा सर एक बात बताइए कि केरला हारे हैं, बड़ी गंदी हारी से मैं कहूंगा, बहुत ही कम सीटें आई हैं, पिछली बार काफी ज्यादा सीटें थी, इस बार काफी गिरावट आई है केरला के अंदर, कर्नाटका में, बेंगलुरु कर्नाटक में जी। तो क्या इसके पीछे का कारण क्या रहा है? देखो इस वो बहुत बड़ा विषय है, ऊपर का विषय है, इस बारे में हम तो कर्नाटक से बहुत दूर हैं। अंदाजा क्या लगाया जा सकता है कि वहाँ पर उन्होंने बजरंग दल को बैन करने की बात करी है, इसलिए शायद लोगों ने पसंद? नहीं नहीं नहीं, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि विषय ऊपर का है, इस बारे में मेरा विषय। अच्छा 24 के लिए कहा जिला शामली में क्या तैयारी है? जिला शामली में ये समझो आप 21 तारीख में जिला कार्य समिति बैठक थी, ऊपर से जो दिशा निर्देश आए थे उस कार्यक्रम को कार्यकर्ता एकजुट होने के लिए मंडलों में कार्य समिति आज लास्ट दिन है, लगभग आज 8 मंडलों में कार्य समिति है और उसकी रिपोर्ट आज शाम को चली जाएगी और हमारा लगभग 3-4 दिन के बाद सारे कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे, जो एक महीने के मां संपर्क अभियान है वो कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। अच्छा तो अभी 24 की तैयारी चल रही है, जो मीटिंग्स हो रही है 24 की तैयारी हमारी मजबूत तरीके से शुरू हो गई। चलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया है हमें, और अभी और भी लोग मेरे साथ में मौजूद हैं, उनसे भी थोड़ी थोड़ी बात करेंगे और अब थोड़ी सी बात इनसे कर लेते हैं। सर अपना नाम बताइए। संजय मित्तल और मंडल अध्यक्ष नाम से। अच्छा अध्यक्ष जी एक बात बताइए कि कांधला के अंदर एक बार फिर से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, इसका कारण क्या है? कारण तो सभी को जानकारी है, हमारा वोटों का समीकरण बहुत ज़्यादा कम है, कम है, और फिर वोट तो सभी लोगों ने दी है जी। मुस्लिम ने दिखावा तो नहीं किया? मुस्लिमों में थोड़ा कम मिला है, हर बार की तरह वही अपेक्षा कर रहे थे जी, उतनी नहीं मिल पाई। इस बार हिंदू वोट भी टूट गया, शायद थोड़ा सा हिंदू वोट भी गया है। कारण क्या है कि हिंदू भी अब सरकने लगा है बीजेपी से, जैसा जो है कर्नाटका में सरक गया? ऐसा नहीं है, देखो मोदी जी की तरफ देखते हैं तो सारे कार्य हो रहे हैं बिल्कुल, मगर थोड़ा सा लोकल स्तर पे थोड़ा नाराज था हमारा कार्यकर्ता। अच्छा तो ये भी थोड़ा सा कारण रहा वो शायद, क्योंकि वोट कटी है इस बार, थोड़ा सा वोट हमारा गया। तो 24 की क्या तैयारी है इस मीटिंग की? 24 की तैयारी जोर शोरों से है, तो ये मीटिंग भी 24 को देखते हुए करेंगे? 24 के ही लिए आज की मीटिंग का शुरुआत हुई है, कार्य बांट दिए जाएंगे, जिसका जो काम होगा बांट दिए जाएंगे, बूथ स्तर तक जाएंगे पार्टी कार्यकर्ता। अच्छा और चलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। अब मैं जुड़ूंगा लक्ष्मीकांत जैन जी से, और लक्ष्मीकांत जैन जी से जुड़ने के बाद उनसे बातें करेंगे थोड़ी सी ज़रा, और उन्हीं की तरफ चलते हैं ज़रा। लक्ष्मीकांत जैन जी यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हीं से मैं उनकी तरफ ही आता हूँ ज़रा सा। ये मंडल अध्यक्ष हैं और कांधला में ही रहते हैं, डॉक्टर भी हैं पेशे से, और इनसे मैं पहले भी एक दो बार बात कर चुका हूँ, काफ़ी मेरी बातें इनसे खिंचती हैं, काफ़ी अच्छी बातें करते हैं ये, तो आज फिर इनकी तरफ ही चलते हैं। सर इस मीटिंग के बारे में कुछ बताएंगे? ये मीटिंग जो है 26 मई को हमारी सरकार के यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के केंद्र में 9 वर्ष पूरे कर रही है। अच्छा। इस उपलक्ष्य में कार्यक्रम आए हैं, क्योंकि 2024 का इलेक्शन, लोकसभा का इलेक्शन सिर पे खड़ा हुआ है, एक साल भी नहीं रह गया उसमें, और उसमें अभी से कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट करना और जो 9 साल की योजनाएं हैं उनको घर घर तक, जन जन तक पहुँचाना, उस कार्यक्रम की आज शुरुआत हुई है। तो ये आज मतलब इसे कहूँ कि पहला स्टेप रख दिया है 24 के लिए? बिल्कुल, पहला आगाज हो चुका है एक साल पहले ही। अच्छा सर कांधला की हार के बारे में क्या कहेंगे, एक बार फिर से हार हो गई? देखिए कांधला की हार का एक अपना समीकरण है, वो आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, बिल्कुल पॉपुलेशन का समीकरण, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फिर भी इस पॉपुलेशन को लेके और इस समीकरण को लेके फिर भी हम 6000 वोट लेके जाते हैं, तो हम अपने आप को जीता हुआ महसूस करते हैं। बिल्कुल, तो मतलब एक पटड़ी पे ही मान सकता हूँ मैं समाज, बिल्कुल 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 एक जगह। कुछ ऐसा देखने को भी नहीं मिला, कुछ आपके जो बीजेपी की वोट थी अपनी खुद की वो भी आपके कटी है, साइकिल की तरफ गई है, साइकिल को पसंद नहीं किया ज्यादा भाई साहब, सब ऐसा 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 हम नहीं कह सकते कि वार्ड वाइज हम लोग, अगर वार्ड वाइज चिंतन किया जाए, मैं भी वार्ड वाइज चिंतन किया है, सभी कार्यकर्ताओं ने चिंतन किया है। देखिए जहां लोकल इलेक्शन होते हैं, लोकल इलेक्शन में मेरा और आपका प्यार ये देखा जाता है जी। तो 2-4 वोट इधर जाना या उधर से इधर आना ये हो जाता की है, प्यार की निशानी है। अच्छा, ये गंगा जिसे आप लोग कहते हैं गंगा जमुना तहजीब, ये वो वाली तहजीब है। अच्छा एक चीज और बताइए कि यहाँ पर चेयरमैन प्रत्याशी नजर नहीं आए इस मीटिंग में, कहीं कहीं ना कहीं नाराजगी तो नहीं? नहीं नहीं नाराजगी नहीं है, वो आज बाहर गए हुए हैं, मेरी उनसे डेली बात होती है, मेरे पास रोज आते हैं वो, और सभी कार्यकर्ताओं के और सभी कार्यकर्ताओं के साथ उनका उठना बैठना है, रोज आना वो
आरएसएस की शाखा में आते हैं। अच्छा, तो कोई नाराजगी नहीं? कोई नाराजगी नहीं है। ये मेंबर साहब भी खड़े हैं, इनके वार्ड नंबर 16 से जो है साइकिल को 123 वोट मिले हैं जी। मैंने तो अभी मैंने मैंने आपको बताया ना, प्यार मोहब्बत ये उसकी निशानी है, क्योंकि जब मुस्लिम वार्ड से भाजपा को वोट मिल सकती है तो हिंदू वार्ड से साइकिल को वोट मिल सकती है और नल को भी वोट मिल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सांसद के लिए यहाँ पर किसको देखा जा रहा है आपके कुछ अंदाजा लग रहा है? ये पार्टी का विषय है। अभी किसका फेस नजर आ रहा हो कि भाई इन लोगों को हो सकता है? ये सब पार्टी का विषय है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मेंबर साहब खड़े वार्ड नंबर 16 के मेरे साथ में, अब इनसे बातें करते हैं। सर, अपना नाम बताइए जरा जनता को। मनीष कुमार। मनीष जी, दूसरी बार जीते हैं आप, पहली बार भी जीत गए थे कमल के निशान से, इस बार भी जी। ऐसा क्या खा के लड़ते हैं इलेक्शन? नहीं तो जनता का, अपने वार्ड वासियों का प्यार है, सबका सबका प्यार है, जब भी उनका समर्थन है, इसीलिए जितने लोगों लोग आपसे प्यार करते हैं आप भी उतने प्यार दिखाएंगे उनको? आपके भी पहली बार भी ऐसे दिखाते रहेंगे। इस बार पार्टी से नहीं है तो? नहीं, पार्टी से ही है भाई, तीन कैंडिडेट है, तीनों ही भाजपा के, सभी का टिकट काट के और जो है निर्दलीय खुला छोड़ दिया भाई, सभी लड़े, अपनी किस्मत अजमाए, क्या बात है उसमें। आप तो जो है शिव जी के मणके से लड़े हैं, तो हाँ तो पक्की थी शायद? हाँ, भोलेनाथ जी ने आशीर्वाद पहले दे दिया था और बाकी वार्ड वासियों ने और मिलने वाले सहयोगियों ने आशीर्वाद दे दिया था। क्या कहना चाहोगे वार्ड वासियों को खुशी में अपने? भाई मैं खुशी में कहना चाहता हूँ भाई, आप सभी लोगों का धन्यवाद, आपने जो मैं मुझे अपेक्षा से आपने जिताया है, आपकी अपेक्षाओं पे खरा उतरूंगा, पूरे 5 साल आपका जो है के लिए तन मन धन से तैयार खड़ा रहूंगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आते हैं अंकल की तरफ, अंकल भी कुछ कह रहे थे। अंकल, आप अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम रवि कुमार नामदेव है। अच्छा, क्या कहना चाह रहे थे आप? मैं तो यही कहना चाह रहा था कि जो प्रगति का हम सपना देखा वो अब साकार होता नजर आ रहा। अच्छा, जो पहले वाले चेयरमैन रहे, जो सराफत में रहे, बदमाशी में रहे, अच्छा अच्छाई में रहे, खराब में रहे, उन्हीं लोगों की वैसे हिंदू मुस्लिम हो रही थी। अच्छा, और उससे अलग हटके जो चुनाव हुआ, चाहे भाजपा को वोट चली गई, चाहे वो साइकिल को चली गई। बिल्कुल, जैसा पहले कहते ना मुसलमान अकबर अटल जी तो बढ़िया जी जी, चुनाव चिन्ह तो बढ़िया नहीं, इसीलिए वो तो था बढ़िया जो मारे हुए थे जी। सांसद जो ये जो बने चेयरमैन, अच्छा निशान साफ नहीं था, अच्छा इसीलिए उनको ही वोट दी, उनकी वोट की वजह से ही ये सब कार्य पूरा हुआ। अच्छा, तो आप ये कहते हैं नजमुल जी के आने से हिंदू मुस्लिम का प्यार पहले जैसा हो गया? सबसे ज्यादा बढ़ेगा, सबसे ज्यादा बढ़ेगा, बढ़ेगा, घटने का। काम करा पाएंगे नजमुल जी? क्यों नहीं कराएंगे, आपकी नजर में लगता है क्यों नहीं कराएंगे? हमारा तो परंपरा वो है, उनसे संबंध पहले से संबंध। हाँ, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और हर आदमी के लिए वो है वहाँ दरबार खुला, कोई एक बेचारा जोगी का लड़का भी जा रहा, कोई एक तेली का भी जा रहा, एक वहाँ ही उन्हें एक बार चल रहा, तू तो सबने ब्राह्मण का है, चल रहा तू तो जोगी का, जातिवाद या बिरादरीवाद कुछ सब कुछ उसी में था वो। अच्छा, बस अब सब खत्म, प्यार मोहब्बत, इसीलिए उन्हें अपनी महसूस दी कि क्या तू हारेगा, उन्होंने विड्रॉ कर दिया, इसलिए फैसल को जो समर्थन दिया। फैसल के साथ ना जाते, फैसल भी जीत सके था, वो उंगा का उंगा चला गया। अच्छा, फैसल उनका हार का कारण फैसल की हो सकता है, हो सकता है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आप देख रहे थे मेरे साथ में स्टार न्यूज इंडिया और मैं अकरम खान, कैमरामैन इरफान कुरैशी के साथ में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि आपने पूरी वीडियो देखी है, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।